आरक्षण बिल के अंदर भी आप देखिए जम्मू की महिलाओं के साथ फिर से एक बार भेदभाव किया गया है आपने इस महिला आरक्षण बिल को अगर पढ़ेंगे इसमें दिल्ली का जिक्र किया गया है कि दिल्ली में यह इंप्लीमेंट होगा जैसे ही ये बिल पास होकर कानून बन जाएगा मगर उसमें भी जम्मू कश्मीर का कहीं पर जिक्र नहीं है जम्मू कश्मीर भी तो आज की डेट में केंद्र शासित प्रदेश है आप वाकई ही जम्मू कश्मीर की महिलाओं के भी जो है वेल विशर बनते हैं तो दिल्ली की जगह जम्मू कश्मीर भी आपको बीच में देना चाहिए था कि जम्मू कश्मीर में भी यह तत्काल प्रभाव से जैसे दिल्ली में लागू

उसमें था ये इसको ठीक करना क्योंकि ये वाकई ही ये महिलाओं के साथ जो है गलत था जिसको बहुत जल्द जो है वो ठीक किया जाना था मगर तीन जो टूटने का ये जो खाली अगर महिलाओं को लेकर छे लेते हैं तो मुझे लगता है फिर इनको राज्य का दर्जा किस लिए छीन लिया क्या राज्य का दर्जा भी महिलाओं को इंसाफ़ देने के लिए छीन लिया गया हमें यूटी बना दिया गया हमें राज्य का दर्जा तो वापस लौटा देते अगर धारा 370 छीन ली क्या लेह लद्दाख को इसलिए अलग किया गया कि महिलाओं के साथ जो है ना इंसाफ़ी हो रही थी नहीं इनकी मंशा थी कि जम्मू कश्मीर को खत्म करना देश का जो ताज कहा जाता था जो धरती पर स्वर्ग था वहां की जनता के साथ इनकी क्या अंदरूनी दुश्मनी थी हमें आज तक समझ नहीं आया क्योंकि पांच अगस्त 2019 के बाद जो जनता निराशा से जूझ रही है मायूसी से जूझ रही है बहुत ज्यादा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है कोई जम्मू कश्मीर को आगे लेके जाने के लिए इनके पास रोड मैप नहीं है माननीय उच्च न्यायालय भी इनसे रोड मैप मांग चुकी है कि महिलाओं की जब बात आती है तो भाजपा सबसे आगे आती है और प्रधानमंत्री की वो सोच आगे आती है जिसके तहत वो चाहते हैं कि हिस्सेदारी जो है वो बराबर की हो ऐसा भाजपा के नेताओं का कहना है और आरक्षण की जो एक तरह से नीति अपनाई जानी चाहिए थी कुछ सालों से वो नहीं अपनाई गई और इस बार प्रधानमंत्री की ही सोच है कि तैतीस आरक्षण का बिल जो है वो संसद में जो है वो पेश होने वाला और पारित भी होने वाला है ऐसा भाजपा के नेता लगातार कह रहे हैं लेकिन मनीष जी क्या क्या तर्क है क्योंकि तैतीस का आरक्षण क्या यहाँ पे शिवसेना की मांग थी क्या ठाकरे की मांग थी और क्या मनीष जी की मांग थी जानते हैं आरक्षण की जो एक, एक अमली जामा पहना रहे है को। कैसे देखते है? मुझे लगता है कि आप अपने व्यूवर्स को खुलकर बताइए कि क्या यह बिल पेश ही हो रहा है या इम्प्लीमेंटेशन भी होगी बिल की इंप्लीमेंटेशन होने वाली नहीं है और कब होगी ये बिल पास होने के बाद कहा जाएगा कहीं वो पेंडिंग फाइलों के अंदर पड़ा रहेगा या 2024 से पहले इंप्लीमेंट होगा नहीं होगा इसकी जो है अभी बताया गया है कि अभी जो है इसका परिसमन आयोग बैठेगा होगा उसके बाद जो है इसको लागू करेंगे यानी वो फिर दोबारा से वही वो जुमलेबाजी वही झुंझुना जुन फिर दोबारा से हाथ में पकड़ा दिया गया है ये सबसे बड़ा खेल किया जा रहा है हमारे देश की आधी आबादी के पास आधी आबादी के साथ आपके पास फुल मेजॉरिटी है आप इसको पास कीजिए कानून बनाइए आप तो रातों रात अध्यादेश लाने वाली पार्टी है आप तो किसानों के लिए बिना उनसे पूछे जो है अध्यादेश लाकर तीन तीन बिल पास कर देते हो और महिलाओं का बिल पास करने के लिए इतना लंबा समय विपक्ष के समर्थन भी साढ़े नौ साल आपके बीत चुके हैं आप विपक्ष को बार बार कोस रहे हैं कि वो हमें समर्थन दे समर्थन दे वॉकआउट करके ना जाए अरे आपके पास तो मेजोरिटी है आप पास कीजिए बिल बनाइए पूरे देश की महिलाएं आपको जो है दुआ देंगी हम बहुत देर से इंतजार कर रहे रहे थे कि महिलाओं को देश की आधी आबादी को उसका हक मिलना चाहिए मगर कब मिल रहा है अभी भी नहीं मिल रहा ये सिर्फ अपना एक जो इनके ऊपर वो दाग लग चुका हुआ है मणिपुर का जहाँ जो है हमारी महिलाओं को हमारी बहनों को वहाँ अगर नगवस्त करके उनकी परेड करवाई गई थी उस दाग को कहीं ना कहीं धोने की और उस दाग से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश है और कुछ नहीं है ये स्पेशल सेशन लाकर कर ये जो बिल पास किया जा रहा है बिल पास करने के बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते तो हमें बहुत खुशी होती हम भी आगे बढ़कर प्रधानमंत्री जी का गुणगान करते उनको जो है दुआएं देते और पूरे देश की आदि आबादी उनको गुणगान करते आपको ऐसा लगता है कि ये चुनावों के समय इस तरह की जो तमाम बातें जो है वो भाजपा की तरफ से की जाती है ताकि आम लोग जो है वो समझे के अधिकारों में भाजपा सबसे देखिए लगता ही नहीं ये हकीकत है आप देखिए साढ़े नौ साल जो सरकार चुप रहती है पहले कैनवर में चुप रहती है उस समय भी इन्होंने कहा था हम ये बिल लेकर आएंगे हम इसको पास करेंगे पूरे पाँच साल 2014 से 19 तक बीत जाते हैं 19 के बाद आज 23 खत्म होने वाला है तब इनको बिल की याद नहीं आई और स्पेशल सेशन बुलाकर इस बिल को जो है वो लाया गया ये सिर्फ मणिपुर के अपने दाग धोने की एक कवादत है और उसमें महिलाओं का ध्यान भटकाने की कवादत है क्योंकि महिलाएँ इस समय सबसे ज़्यादा अगर परेशान हैं सबसे ज़्यादा निराश हैं मायूस है तो वो बीजेपी से है क्योंकि बीजेपी ने जनता के साथ साथ महिलाओं के साथ भी विश्वासघात किया किस संदर्भ में आप कह रहे हैं कैसा विश्वास देखिए आरक्षण को लेके देख लीजिए आप मणिपुर के इंसिडेंट को लेकर देख लीजिए जम्मू कश्मीर में महिलाओं को लेकर देख लीजिए आप बताइए इन्होंने महिलाओं के लिए स्पेशल क्या किया जो बीजेपी अपने संकल्प पत्र के अंदर लिखा था 2014 के अंदर कि हम महिलाओं को जो है आरक्षण देंगे 2014 से आज तक साढ़े नौ साल बीत चुके हैं साढ़े नौ साल आपको महिलाओं का ध्यान नहीं आता और आज आप जो है महिलाओं को लेकर एक बिल ला रहे हैं और वो भी बिल जो है वो अंदर के अंदर ठंडे बस्ते के अंदर डालने की आपकी कोशिश है आपके पास अगर सच में आप महिलाओं को कुछ देना चाहते हैं तो आगे बढ़िए बिल को पास कीजिए इसको कानून बनाइए और तत्काल प्रभाव से इसको के रूप में भाजपा के नेता लगातार कहते हैं कि तीन हटाने का सबसे मुख्य कारण यही था कि जो महिला जम्मू कश्मीर से ताल्लुक अगर कि किसी बाहरी राज्य के व्यक्ति से वो विवाह कर लेती है तो उसके अधिकार समाप्त हो जाते थे तो तीन हटाया है और महिलाओं को अधिकार जो है वो दिए ये तो तीन रखे हुए भी ये चीज हो सकती थी इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये चाहते तो यहाँ की ये असेंबली ऑलमोस्ट इसको पास कर चुके थे ये काफी ज्यादा उनके अगरणीय उसमें था ये इसको ठीक करना क्योंकि ये वाकई ही ये महिलाओं के साथ जो है गलत था जिसको बहुत जल्द जो है वो ठीक किया जाना था मगर तीन जो टूटने का ये जो खाली अगर महिलाओं को लेकर छीन लेते हैं तो मुझे लगता है फिर इनको राज्य का दर्जा किस लिए छीन लिया क्या राज्य का दर्जा भी महिलाओं को इंसाफ़ देने के लिए छीन लिया गया हमें यूटी बना दिया गया हमें राज्य का दर्जा तो वापस लौटा देते अगर धारा 370 छीन ली क्या लेह लद्दाख को इसलिए अलग किया गया कि महिलाओं के साथ जो है ना इंसाफ़ी हो रही थी नहीं इनकी मंशा थी कि जम्मू कश्मीर को खत्म करना देश का जो ताज कहा जाता था जो धरती पर स्वर्ग था वहां की जनता के साथ इनकी क्या अंदरूनी दुश्मनी थी हमें आज तक समझ नहीं आया क्योंकि पांच अगस्त 2019 के बाद जो जनता निराशा से जूझ रही है मायूसी से जूझ रही है बहुत ज्यादा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है कोई जम्मू कश्मीर को आगे लेके जाने के लिए इनके पास रोड मैप नहीं है माननीय उच्च न्यायालय भी इनसे रोड मैप मांग चुकी है कि आपने धारा तीन हटाई तो जम्मू कश्मीर का किस तरीके से आप आगे सोच के क्या रोड मैप आगे लेके चलोगे इनके पास कोई जवाब नहीं है लोकतांत्रिक प्रक्रिया यहां पर बहाल नहीं की जा रही पांच साल से ज्यादा का समय हो चुका है हमारा राज्य का दर्जा हमें नहीं लौटाया जा रहा यह तो अखंड जम्मू कश्मीर की बात करते हैं मगर अभी जम्मू और कश्मीर को संभालने में ये नाकामयाब साबित हो रहे हैं जनता इस समय बहुत निराश है और अब जनता इनकी झुमलेबाजियों में फंसने वाली नहीं है साफ़ तौर पर जब चुनावी समीकरण होते हैं चुनावों का समय आता है और भाजपा उसी समय कहती है कि तोहफों की बौछार जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से की गई है लेकिन महिला आरक्षण को लेकर लंबे समय से जो जंग जो थी वो जारी थी और अब जो है कहा जा रहा है उसको अमली जामा पहनाया जाएगा लेकिन उसमें भी स्पष्टता नहीं देखने को मिल रही है काफ़ी लंबा समय जो है आगे भी लग सकता है जब महिला सांसद या विधानसभा में महिला विधायक जो है आपको नजर आए और उनकी आवाज़ जो है जन जन तक पहुँचे आप हमारे साथ बने देखती हूँ विश्व जम्मू चौहान